हेलो एवरीवन बेटा, हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मैंने अभी तक आपको बेसिकली दो तीन कंसेप्ट बताए। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग मैंने अभी आपको समझाया था सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में, और कहीं ना कहीं फीचर्स ऑफ स्टेट्स भी मैंने आपको बता दिए थे। जो मैंने अभी तक बताया वो आज रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेटा अब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ये चैप्टर नंबर 1 है, हमें 2 लेक्चर लगेंगे। 2 लेक्चर क्यों? आज मेरे 2 टॉपिक्स तो हो ही जाएंगे, और अगर भगवान ने चाहा और आपने चाहा तो एक और कंसेप्ट भी हो जाएगा, या तो चैप्टर आज हमें अलविदा कह देगा, आज इसका अंतिम संस्कार कर देंगे, आज नहीं तो कल इस चैप्टर को हम चैप्टर 1 को क्या कर ही देंगे, अलविदा कर ही देंगे। और इस सेट्स में मैंने पहले ही कहा ये 2-3 चैप्टर ही थ्योरी के हैं ज्यादा, उसके बाद तो सारे किसके हैं, न्यूमेरिकल्स के, जिसमें बहुत मजा आएगा करने। फिलहाल के लिए आज का जो टॉपिक है, मुझे जो आज नया टॉपिक स्टार्ट कराना है, वो क्या कराना है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लेकिन इसे स्टार्ट कराने से पहले एक बार मैं दोबारा बता दूं ये वाला कंसेप्ट, इवन कल यही हुआ था देखा जाए, कि पूरा स्टैट्स का मीनिंग है क्या। जो ये अलग अलग चैप्टर्स हैं उन सबको एक जगह लिख दो तो स्टैट्स का मीनिंग बन जाता है क्या है स्टैटिस्टिक्स, किसे कहते हैं। बेटा स्टैटिस्टिक्स में मैं सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़। ये एक स्टेटमेंट स्टेट्स है, लेकिन इसे बोलने के लिए आप खुद विजुलाइज करो मैंने क्या क्या कितनी मेहनत करी होगी। मैंने जब आपको ये कहा ना कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो उसके पीछे ये सारी मेहनत हो चुकी है। भैया कौन कौन सी मेहनत हुई है, सबसे पहले मुझे ये स्टेटमेंट बोलने के लिए डाटा क्या करना पड़ा होगा, कलेक्ट। जैसे मैंने आपको समझाया था कि हर 10 साल में आपके घर में MSSO से एक एम्प्लॉय आता है, जो आपसे आपकी पूरी बायो डाटा हिस्ट्री सब पूछ के जाता है। हाँ जी, आपके यहाँ कितने लोग हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, सबकी एज क्या है, एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। पहले डाटा क्या होता है, कलेक्ट। फिर उस डाटा को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज। फिर उसका प्रेजेंटेशन, बाद एक लाइन बोलते हैं, और मैंने बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताए थे। पूरी यूपी की पॉपुलेशन कितनी है हमारी, यूपी यूपी की कम से कम भी कितने करोड़ है, 20, 2-4 करोड़ की तो यहाँ की वैल्यू नहीं, 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये अलग बात है। इसराइल सुना, इसराइल सुना, इसराइल भी एक कंट्री है? नहीं सुना इसराइल? वे कभी स्नैपचैट चलाते हुए या वो इंस्टाग्राम चलाते हुए मीम में नाम देखा हो इजराइल का, देखा है, सुना सुना लग रहा है, अभी तो बहुत न्यूज में भी था वो पिछले 1 साल पहले। आपको पता है इजराइल की पॉपुलेशन कितनी है, इजराइल की पॉपुलेशन पता है कितनी है, 90 लाख। बस वो 90 लाख, इतना छोटी सी कंट्री है, और वो कंट्री हर एक चीज के लिए सेल्फ डिपेंडेंट है। वो किसी किसी भी कंट्री से कुछ इंपोर्ट नहीं करती, वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट खुद बनाते हैं। सोचने वाली बात है, 90 लाख वाली कंट्री किसी भी कंट्री से डिफेंस इक्विपमेंट, जैसे डिफेंस के एयरक्राफ्ट होते हैं, डिफेंस में टैंक वगैरह होते हैं, वो किसी से नहीं लेती, वो खुद बनाती है। और हमारे यहाँ कितने लोग हैं, 140 करोड़। मतलब वो 1 करोड़ भी नहीं है कि हम डिफेंस इक्विपमेंट्स क्या करते हैं, इम्पोर्ट। क्या करें, पढ़े लिखे इतने इंडिया में लोग, वो वाली बात आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इस सेट से पता चलती है। फिलहाल जल्दी से नया टॉपिक लिखो, आज नया टॉपिक कौन सा करना है ये लिखो जल्दी से, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें 2 पॉइंट कर देना, फिर अच्छे से समझाता हूँ। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उर्दू की कॉपी बना रखी है क्या बेटा? बेटा सारे बच्चे कॉपी बना लेंगे, है ना, कहीं अभी मैंने देखा कि एक बच्चे की उर्दू की बन रही है पीछे से, ऐसे नहीं होनी चाहिए, आगे फ्रंट से कॉपी बनानी है सबको। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। आप भी बेटा दिखा रहे थे क्या कैसे बनती है, बेटा सामने क्लास चल रही है पीछे नहीं चल रही। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में 2 बातें लिखनी है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल। बात को ध्यान से सुनना बेटा, जो मैं अभी आपके साथ एग्जांपल डिस्कस कर रहा था ना, कि हमारी सेट्स में डाटा कलेक्ट होता है, फिर ऑर्गेनाइज, फिर प्रेजेंट, फिर एनालिसिस, इस सेट्स को मैं क्या कहता हूँ, डिस्क्रिप्टिव। क्या कहता हूँ इसे, डिस्क्रिप्टिव। जो मैंने अभी समझाया वो कौन से समझाई, डिस्क्रिप्टिव, और बहुत समझा चुका हूँ तो ज्यादा नहीं डिस्कस करते, लिखो एक लाइन जल्दी से, इतना ही लिखना। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब है वो सारे मेथड जो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, डाटा की कलेक्शन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, और एज वेल एज एनालिसिस के लिए। मतलब जो हम पूरी सेट्स पढ़ने वाले हैं कल को, आपका और मेरा सफर जो रहेगा इस सेट्स का, वो पूरा का पूरा कौन से रहेगा, डिस्क्रिप्टिव, जिसमें धीरे धीरे करके मैं सब डिस्क्राइब करूंगा आपको। मैं डाटा कलेक्शन सिखाऊंगा, प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, और बाद में उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी सिखाऊंगा। तो ये बात क्लियर है, डिस्क्रिप्टिव।
कोई भी स्टेटमेंट बोल दो वो सब डिस्क्रिप्टिव ही होती है जनरली, जितना भी मैंने डिस्कशन करा। नोट्स में बस एक ही लाइन लिखनी है जितना मैं लिख पाऊँ, तो बिल्कुल कंसाइज नोट्स बनाने वाले हैं हम, हैंडरिटन नोट्स। क्लियर है बेटा डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स? लिख लिया मीनिंग? एग्जाम्पल पहले बहुत लिखे हुए, लिखने की जरूरत नहीं, बस रीड करा दूं। कह रहा है अगर मैं ये कहूँ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स कब यूज होती है, जब मैं अपने स्कूल में क्या निकाल रहा हूँ, एवरेज हाइट। अगर आपको अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट निकालनी है तो आपको सब करना पड़ेगा, हर एक बच्चे से क्या करना पड़ेगा, डाटा को कलेक्ट, फिर सबको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज, फिर उसकी प्रेजेंटेशन और एनालिसिस होगा, उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा मीन के फॉर्मूले से कि भाई फॉर एग्जाम्पल पूरे, मैं एवरेज हाइट की जगह एवरेज वेट निकालने की बात करूँ तो कैसे निकलेगा प्रैक्टिकली। अगर 1000 बच्चे हैं आपके स्कूल में तो एक एक बच्चे से उसका वेट पूछा जाएगा, कोई कहेगा जी मेरा वेट 50 की ही वेट होता है, और 1000 बच्चों का वेट कलेक्ट करने के बाद इन सब का सम होगा और कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज के दिन एक एवरेज वेट शायद बॉयज का 50 to 60 आ जाएगा इस एज में, ये एक एवरेज वेट निकलने वाला है। लेकिन जरूरी नहीं है सबका इतना ही हो, किसी का इससे कम भी हो सकता है, किसी का इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव स्टेट्स है। क्या बात क्लियर है? सेकंड स्टेट्स का एग्जांपल क्या दे रखा है, इन्फ्लेक्शन। ये मुझे समझाना पड़ेगा अदरवाइज आप समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखा हुआ है। मेरे दो वर्ड्स ध्यान से सुना, इस सेट्स में ना दो चीजें यूज होती है, एक वर्ड होता है यूनिवर्स, क्या होता है, होता है सैंपल। भैया इन्फ्लेक्शन स्टेट्स किसे कहते हैं? यूनिवर्स और सैंपल का डिफरेंस क्या है मैं वो आपको वो बताता हूँ, सिंपल। इंडिया में, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है भाई साहब, अभी बताई थी 140 करोड़। अगर मैं एक एक बंदे का डाटा कलेक्ट करूंगा, एक एक सबका, तो मैं कहूंगा कि मैं पूरे यूनिवर्स का, लेकिन पूरे यूनिवर्स का डाटा कलेक्ट करने में मेहनत बहुत लगती है। क्या बहुत लगती है? मेहनत। तो कितनी बार हम ऐसा करते हैं, सबका डाटा कलेक्ट ना करके लिमिटेड लोगों का कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल खाली कितने लोगों का डाटा कलेक्ट करा, 10 करोड़ का, तो मैं क्या कहूंगा, मैंने डाटा किसका कलेक्ट करा, सैंपल। किसका कलेक्ट करा? और मैं सैंपल का डाटा कलेक्ट करके ये कंक्लूजन दे रहा हूँ कि भाई 10 करोड़ का जो डाटा कलेक्ट किया तो मेरे पे ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि इंडिया में 50%। जब मैंने कोई कंक्लूजन यूनिवर्स के बेस पे नहीं दिया, किसके बेस पे दिया, सैंपल के, किसके बेस पे, सैंपल, तो उसे कौन सी सेट्स कह देंगे, इन्फ्लेक्शन। बेशक बेसिकली मेहनत ज्यादा ना करके मेहनत क्या करी है, कम। हमने सारी आइटम्स का डाटा कलेक्ट नहीं करा, किसका डाटा कलेक्ट कर लिया, लिमिटेड लोगों का, किसका डाटा कलेक्ट कर लिया, लिमिटेड। क्या बात समझ में आई या नहीं? एक लाइन लिखते हैं और आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि मैंने क्या बताया। लिखो यहाँ से कि इन्फ्लेक्शन स्टेटिस्टिक्स का मतलब क्या है, जब जो हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं वो बेसिकली कंक्लूजन पूरी यूनिवर्स का जो है वो किसके बेस पे है, सैंपल के बेस पे। इतनी लाइन लिखनी है बस आपको। भैया एक बार फिर से समझा दो बेटा, मैं एग्जाम्पल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन लिखो, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल में ना तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मुझे पता है तुम्हारा किस चीज में इंटरेस्ट आएगा। तुम रुकोगे, तुम लिखो जरा आराम से, फिर तुम्हें तुम्हारे एग्जाम्पल का ही इंटरेस्ट वाली बात ही बताऊंगा तुम्हें, फिर एकदम सुनेंगे हाँ भैया हाँ ये बात हुई ना। तुम लिख लो पहले। लिख लिया बेटा? अब जरा एग्जाम्पल चेंज करके देता हूँ तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हमारे बैच वाले बच्चों के लिए नहीं है बेसिकली, वो तो बेसिकली बस तुम्हें समझाने के लिए है। लिख लिया? एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल की बात करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में 11th क्लास में 1000 बच्चे, फॉर एग्जाम्पल, दिल पे ना लगाना कि भैया कहाँ है 1000 बच्चे, एग्जाम्पल की बात है। स्कूल में कितने बच्चे हैं, 1000। क्या बात क्लियर है? एक ऑप्शन तो ये है कि मैं एक एक बच्चे से डाटा कलेक्ट करूं, सबसे 1000 के 1000 बच्चों से डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, और हमने फॉर एग्जांपल सबसे पूछा हाँ भाई दिन के कितने सिगरेट कंजम्पशन कर लेते हो, तो किसी ने कहा भैया मेरा स्कोर है 2, किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 4, किसी ने कहा 5, एक ने कहा भैया 5 से क्या होगा भैया, 10 से शुरुआत होती है हमारी, तो सब ने, भैया तो बेटा 0 वाले हैं, भैया कहीं नहीं है यहाँ पे,
ये एक बात हुई कि ये अलग अलग सबसे मैंने डाटा कलेक्ट किया, और फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर एक एवरेज कंक्लूजन निकाला कि ऑन एन एवरेज आज के दिन एक बच्चा 11th क्लास का 3 सिगरेट कंज्यूम करता है, ठीक है। ये मैंने 1000 बच्चों से डाटा कलेक्ट करके कंक्लूजन निकाला, ये सेट कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव, कौन सी है डिस्क्रिप्टिव। वैसे मैंने सही निकाला गलत निकाला, हाँ या ना तो बताई दो, पता तो होगा तुम्हें। नहीं मैं किसी को बताऊंगा नहीं, सही है कंक्लूजन गलत है, 3 की जगह 1 2 है, चलो भैया 3 की जगह 2 कर लो, ये कंक्लूजन है, ये कौन सा है डिस्क्रिप्टिव, क्या बात क्लियर है। अब दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 बच्चों से डाटा ना कलेक्ट करके, मैं कितने बच्चों से डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ खाली 100 बच्चों से, कितनों से 100, क्योंकि भाई सब बच्चों से डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। जब 1000 से 1000 का डाटा कलेक्ट किया था तो हमने यूनिवर्स में हर एक आइटम को कवर किया था, किसको कवर किया था, यूनिवर्स में हर एक आइटम को कवर किया था। अगर अब मैं 100 बच्चों से डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा भैया हाय तोबा हाय तोबा, हम तो भैया ऐसे देखते भी नहीं, हमें तो पता भी नहीं, क्या उसने क्या कहा कि हमारे तो 0 कंजम्पशन है, किसी ने कहा 2 है, किसी ने कहा 3, किसी ने 4, किसी ने 10। और मैंने कंक्लूजन निकाला कि ऑन एन एवरेज एक बच्चा यहाँ पे 2 सिगरेट पी रहा है, तो ये भी स्टेट्स है, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन किस पे बेस हुआ, सैंपल, तो इसे डिस्क्रिप्टिव नहीं कहेंगे, इसे क्या कह देंगे, इन्फ्रेंशन, इसे क्या कहते हैं, इन्फ्रेंशन। क्या अब बात समझ में आ गई ऑनलाइन और ऑफलाइन सबको, क्या बात क्लियर है बेटा। आप किसी भी चीज के लिए बात कर लो, मैं ये बात एवरेज वेट के लिए भी लगा सकता था, एवरेज हाइट के लिए भी लगा सकता था, मैं किसी भी चीज के लिए लगा सकता हूँ। मेन बात क्या है, जब हर एक बंदे से, हर एक आइटम से डाटा कलेक्ट हो रहा है तो स्टैट्स कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव, और जब खाली किससे हो रहा है, सैंपल से, तो कौन से बन जाएगी, इन्फ्रेंशन। क्या बात समझ में आई, थोड़ा सा अंदर गया बॉडी के, हाँ भैया चला गया, ऑनलाइन भी शायद समझ में आ गई होगी। ये टॉपिक खत्म, अगले टॉपिक की हेडिंग लिखो भैया, स्टैट्स के लिमिटेशन बता दो, इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 थ्योरी बस खत्म, से आपका खत्म हो जाएगा ये हमारा चैप्टर नंबर 1 थ्योरी का, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बेटा अब मैं आपको इस सेट्स के लिमिटेशन बता रहा हूँ, उसके बाद फंक्शन और इम्पोर्टेंस हम कल ही बताएंगे। लिमिटेशन की मतलब कमियाँ, भैया कमियाँ निकालने में तो हम वैसे ही माहिर हैं, तो निकालो बेटा कमी, एक एक कमी निकालते हैं आराम से। कह रहे जब हम इस सेट्स पढ़ते हैं तो इस सेट्स की कुछ कमियाँ हैं, पहली कमी क्या है इस सेट्स की, हेडिंग से ही समझ में आता है। कह रहे इस सेट्स में खाली किसकी स्टडी होती है, न्यूमेरिकल फैक्ट की, इसमें हम किसकी बात को बिल्कुल ही नहीं करते, क्वालिटेटिव कंसेप्ट की। इस सेट्स में कभी आप भाई कितने ईमानदार हो, आपकी फ्रेंडशिप कैसी है, आपकी हेल्थ कैसी है, ये सारी बातें किसमें नहीं होगी, इस सेट्स में नहीं होगी, यहाँ फिलोसफी पे नहीं बात कर रहे हम, यहाँ खाली बात किस पे हो रही है, फैक्ट, यहाँ पे खाली फैक्ट्स, और लाइफ में वैसे बातें होनी भी किस पे चाहिए, फैक्ट्स पे, काम खत्म, है ना, कभी भी उल्टी सीधी बात नहीं बोलेंगे, खाली फैक्ट्स। तो हेडिंग लिखो लिमिटेशन, और लिमिटेशन में बस हेडिंग ही लिखना फर्स्ट पॉइंट की, कि यहाँ पे खाली किस चीज की स्टडी हो रही है, न्यूमेरिकल फैक्ट की, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली, दोस्ती यारी की बातें नहीं होने वाली है यहाँ, खाली फैक्ट्स, फैक्ट्स मैटर लाइफ, बात क्लियर है। दूसरी बात भी कहीं ना कहीं हमने इतना डिस्कशन किया तो समझ में आना चाहिए, यहाँ पे हम खाली किसकी स्टडी करते हैं, एग्रीगेट्स की। जैसे मैं ये कहूँ कि एक बंदे की, राम की इनकम 50,000 रुपये पर मंथ है, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी भी काम की नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ इंडिया में एवरेज पर कैपिटा इनकम, इंडिया में ऑन एन एवरेज एक बंदा 30,000 रुपये पर मंथ कमा लेता है, तो ये किसकी काम, ये इन्फॉर्मेशन स्टैट्स बन जाएगी। एक बंदे की हाइट क्या है, एक बंदे का वेट क्या है, उसकी इनकम क्या है, वो कभी भी क्या नहीं बनेगा, स्टैट्स, क्योंकि स्टैट्स हमेशा किस पे चलती है, एग्रीगेट्स पे, किस पे चलती है, एग्रीगेट, जिससे कुछ कंक्लूजन निकलता हो, एक बंदे से मुझे क्या लेना देना। तो इसीलिए जल्दी से हेडिंग लिखो, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, स्टेट्स की दूसरी कमी, यहाँ पे खाली किसकी स्टडी करेंगे, एग्रीगेट्स की, एक बंदे से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और इसमें एक लाइन लिख लेना, इसमें एक लाइन लिख लेना, एग्जाम्पल के लिख लेना, पहले सुन लो, कह रहा है आपकी क्लास टीचर की अर्निंग 50,000 पर मंथ है, पता नहीं कैसे लिख दी,
यहाँ तो नहीं होगी वैसे स्कूलों में, लेकिन चलो, इसने कहा आपके स्कूल टीचर की, क्लास की टीचर की इनकम 50,000 पर मंथ है, बट एज दिस फैक्ट रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हम इसे किसका मैटर नहीं मानेंगे, स्टैटिस्टिक्स का मैटर नहीं मानेंगे। क्लास टीचर की इनकम से मुझे एक बात याद आ गई, तुम्हें याद ही नहीं आ रही, आ गई बेटा, बेटा सबको याद आ जानी चाहिए बेटा, क्लास टीचर, बेटा हम किसी स्कूल में तो पढ़ा नहीं रहे, हमारी अर्निंग तो ट्यूशन से ही है, तो बेटा जल्दी से जल्दी क्या सबमिट करो फीस, और बेटा इस लाइन को लिख लो, एग्जाम्पल को लिख लो इस पॉइंट में, इस स्टडी ऑफ फैक्ट, हाँ एग्जाम्पल, जितना मैंने मार्क किया, जितना मैंने मार्क किया है उतना एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो, इट मे बी से लेके मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स तक, इसे नोट डाउन कर लो यहां से लेके यहां। और बेटा ये 11th क्लास में सीधा ही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो कि लिमिटेशन बता दो स्टेट्स की, मीनिंग बता दो, फीचर्स बता दो, इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स बता दो, इस पे ऐसे घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले। लिख लिया बेटा ये एग्जाम्पल, थर्ड पॉइंट भी लिख लो, मैं समझाता हूँ, हेडिंग हेडिंग लिखना है इसमें, ये थर्ड लिमिटेशन जो है, बेटा थर्ड हेडिंग लिख लेना खाली, फिर मैं उसे विद एन एग्जाम्पल समझाता हूँ। थर्ड लिमिटेशन भाई, कमी क्या बताई तीसरी, कह रहा है जब हम सेट्स कर रहे हैं तो इस सेट्स में डाटा होमोजीनियस होना चाहिए, ये इसकी असेंशियल रिक्वायरमेंट है। तुमने होमोजीनियस वर्ड कहीं सुना, होमोजीनियस हेटरोजीनियस का इनहेरेंट है साइंस में, कैसे सुना था कोई बताना चाहेगा, किस रिगार्डिंग में सुना था, क्या मतलब था होमोजीनियस का, कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है किसी को, क्या क्या था होमोजीनियस का मतलब है क्या भाई साहब, ये तो खतरनाक मीनिंग सुन लिया, मुझे लगा था सही सुना होगा, मैं समझा देता हूँ, हमारी इकोनॉमिक्स में या हमारी कॉमर्स लाइन में जब होमोजीनियस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना, दो तरह के गुड्स होते हैं समझना, एक होमोजीनियस गुड्स और एक हेटरोजीनियस गुड्स, जब दो पेन, ध्यान से सुनते रहना, जब दो पेन बिल्कुल सेम होते हैं, डुप्लीकेट कॉपी, जैसे जुड़वा भाई बहन, शक्ल भी सेम, उसे होमोजीनियस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, होमोजीनियस, जब दो चीजों में बिल्कुल भी फर्क नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्वालिटी किसी भी वे में, वो होमोजीनियस है, और जब दो चीजों में क्या है फर्क है, जैसे मेरे हाथ में अगर ये दो पेन है, ये होमोजीनियस नहीं है, ये क्या है, हेटरोजीनियस, क्योंकि अलग ब्रांड के, अलग शेप, अलग साइज, अलग कलर, भैया ये क्यों समझाया, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है, कह रहे जब मैं सेट्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो डाटा क्या होना चाहिए, होमोजीनियस, मतलब जो मैंने डाटा कलेक्ट किया ना वो हर एक इंडिविजुअल का डाटा सेम होना चाहिए। मैं एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ, अगर मैं फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को किससे कंपेयर करना चाहूंगा, क्लोथ नहीं है, क्योंकि क्लोथ को किसमें मेजर करोगे, मीटर्स में, और फूड ग्रेन्स को किसमें मेजर करोगे, टन्स में, तो बेसिकली जब तक आपका डाटा सेम नहीं होगा वो कंपेरेबल नहीं बनेगा, तो बस आप एग्जाम्पल में इतना लिख दो, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कैन नॉट बी कंपेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कैन नॉट बी कंपेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ।
फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को मैं क्लोथ के प्रोडक्शन के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट हेडिंग फिर इस एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। इवन ये मैंने अभी बातों में समझा भी दिया था, मैं फिर भी दोबारा समझा दूंगा इसको। अभी हमने एक डाटा कंक्लूड किया था जिसमें मैंने कहा कि 11th क्लास में ऑन एन एवरेज या 12th क्लास में आज के दिन तीन एज में एक बच्चे, ये मैंने कि सेट्स निकाला, ध्यान से सुनना। लेकिन ये सेट्स एवरेज पे तो लग रहे हैं, क्या ये हर एक बंदे पे लगेगा? मैं हर एक के लिए कह सकता हूँ कि ये मैंने 11th क्लास के लिए निकाला था तो हर एक बंदा तीन सिगरेट कंज्यूम कर रहा है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? नहीं, ये खाली किस पे लगता है, एक एवरेज बात कर रहा है, सबके लिए वो ट्रू नहीं होगा। मैं दूसरी स्टेटमेंट देता हूँ, इंडिया में एवरेज पर कैपिटा इनकम पर मंथ की 50,000 है, तो इसका मतलब क्या ये होगा कि सब बंदे 50,000 कमा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, कोई ज्यादा भी कमा सकता है, कोई कम भी कमा सकता है। जो हम इस सेट्स में डाटा निकालते हैं वो खाली किसके लिए सही होता है? एवरेज के लिए। तो एवरेज के लिए अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 50,000 पर मंथ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक इंडियन 50,000 ही कमा रहा है। बात क्लियर है बेटा? इसका भी एग्जाम्पल लिख लो, और बात को ना लिखो, जिससे कि कल को अगर आप लिंक करोगे, रीड करोगे, तो आप समझ पाओगे कि इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। तो रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज का एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो। बेटा हाँ, अभी कल ट्यूशन आना है, कल बैच ऑफ नहीं रहेगा। एक और बात, पिछले हफ्ते भी ऐसे ही करा था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिल में दुख है, कोई समझ सकता हूँ मैं आपकी बात को। आपको जो ये अगर पिछले हफ्ते और इस हफ्ते छुट्टी नहीं मिली, या इससे अगले हफ्ते भी नहीं मिलने वाली है फॉर एग्जाम्पल, तो तीन छुट्टी होगी ना, तो वो तीन से चार छुट्टी किसी भी मतलब बड़ी जल्दी अगले 15 से 20 दिन में एक साथ मिल जाएगी, ठीक है? कंपनसेशन हो जाएगा। अब खुश इसी बात पे, कल सब बच्चे फीस ले आना, ठीक है ना? तीन से चार छुट्टी दे देंगे आपको टाइम पे। फिलहाल बेटा लिख लिया इसे, कल ऑफ नहीं है, कल आना है। कितने बच्चे सैटरडे को अपने आप ही एज्यूम कर लेते हैं कि बैच ऑफ रहेगा, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग हेडिंग लिखेंगे विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूफ टू बी रॉन्ग। बेटा जब हम कोई सेट्स में डाटा में बोलता हूँ तो बात याद रखना, वो हमेशा किसी रेफरेंस के साथ बोलूंगा। अदरवाइज जो आप बोल रहे हो वो ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। जब भी कोई इंफॉर्मेशन, आजकल ना फेक न्यूज बहुत आते हैं, जैसे मैं बिल्कुल आजकल की रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ, बच्चे बेवकूफ तो होते ही हैं भाई साहब। पता नहीं किसी ने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल दिया कि 12th क्लास की डेट शीट आ गई, ठीक है? और ऐसा आपके साथ भी होता है कि 12th क्लास की क्या आ गई? डेट शीट। क्या पता ये इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है? आपको कैसे पता कि इन्फॉर्मेशन सही है या गलत? बेटा जब भी कोई इन्फॉर्मेशन देखो तो उस इन्फॉर्मेशन का हमेशा क्या भी देखना चाहिए? रेफरेंस। बेटा जब भी कल को कुछ भी बोलते हो ना, तो रेफरेंस दे के बोला करो, अदरवाइज आपकी बात की वैल्यू नहीं होगी। आज के दिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया की पॉपुलेशन 140 से 145 करोड़ है, तो भैया आप ये कैसे बोल पा रहे हो? क्योंकि मैं इसे रेफर पब्लिश कर रहा है NSSO, इंडिया में ये ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट द्वारा अपलोड, इनकी वेबसाइट है। इवन अगर कभी गलती से किसी दिन टाइम लगे, आपका मन कर रहा है, खाली बैठे हो, आज देख ले कि इंडिया में अलग अलग एरिया में कितने लोग हैं, फीमेल मेल्स कितने हैं। तो गलती से NSSO की वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे आपको एरिया वाइज रिजल्ट दिख जाएगा कि यूपी में कितनी पॉपुलेशन है, हरियाणा में कितनी है। तो बेटा जो मैं बोल रहा हूँ, हमेशा किसके साथ बोल रहा हूँ?
रेफरेंस के साथ, नहीं तो रिजल्ट क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। अच्छा यहाँ पे एक और अच्छा एग्जांपल दे रखा है, अब देखता हूँ मैं आपको, आप कैसा डिसीजन लेते हो। मैं दो बिजनेस लिखता हूँ आपके सामने, एक बिजनेस है एक्स, एक बिजनेस है वाई। आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है भैया, जेब में पैसा नहीं है भैया, एग्जाम्पल के लिए इन्वेस्ट करना है। एक बिजनेस का 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकल, दोनों का 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट, कि 5 साल ऑन एन एवरेज एक्स कितना कमा रहा है और वाई कितना कमा रहा है। मैंने कहा एक्स का पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है, 4 लाख, और वाई का पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहूंगा, एक्स में या वाई में? द्वारा भाई, एक्स पिछले 5 साल से उन्होंने एवरेज हर साल में 4 लाख कमा लेता है, वाई कितनी कमाता है, 3 लाख, कहाँ लगाना चाहूंगे पैसा? नॉर्मली सी बात है कि एक्स भैया ज्यादा कमा रहा है तो एक्स में लगाएंगे। अभी देखो आप गलत कैसे हो सकते हो, आपने इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो देखी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ, एक्स जो 4 लाख कमा रहा है, वो पता क्यों कमा पा रहा है? उसने पहले साल तो कमाए थे 10 लाख, दूसरे साल कमाए थे 5 लाख, तीसरे साल कमाए थे 5 लाख, और पांचवें साल उसे हो गया 2 लाख का नुकसान, तो उसका एवरेज प्रॉफिट निकल गया 4 लाख। अगर अब मैं ये इंफॉर्मेशन आपको दे दूं तो क्या आपका डिसीजन चेंज हो सकता है? अभी वाई का तो देख लो, वाई का पहला साल प्रॉफिट कितना ही था, 1 लाख, दूसरे साल उसका प्रॉफिट था 2 लाख, तीसरे साल उसका प्रॉफिट था 3 लाख, चौथे साल था 4 लाख, और पांचवें साल था 5 लाख। क्या अब आपका डिसीजन चेंज हो सकता है? एवरेज प्रॉफिट बेशक एक्स्ट्रा ज्यादा हो, लेकिन वो बिजनेस अब ग्रो नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, डाउनफॉल पे जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, ग्रो। तो बेटा जब कोई डिसीजन लेते हो ना, तो खाली प्राइमा फेसी ना देखा करो, डाटा डाटा को अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, वरना आप गलत डिसीजन ले सकते हो। अगर मैं डाटा एक इन एक्सपर्ट बंदे को दे दूं, तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो कभी भी क्या नहीं ले सकता, सही डिसीजन नहीं ले सकता। क्या बात समझ में आई या नहीं? यही बात यहाँ पे दे रखी है, सेम टू सेम एग्जाम्पल के थ्रू। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट भी बात साथ में समझा दी, इस सेट्स खाली कौन यूज कर सकता है, एक्सपर्ट। अनपढ़ लोगों को दे दोगे तो डिसीजन क्या लिया जाएगा, गलत लिया जाएगा। तो लिख लो, इट कैन ओनली बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट। और ये एक लाइन क्या बात लिखी है जिसने भी लिखी है, इस स्टैटिस्टिकल मेथड आर मोस्ट डेंजरस टूल्स इन द हैंड्स ऑफ एन इनएक्सपर्ट। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, आपने बिना सोचे समझे एक डिसीजन ले लिया और आपको उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो जब तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, तो कोई भी डिसीजन ना लो। किसका जन्मदिन है, कब, नहीं किस चीज का? तो तो 1 घंटे में पढ़ लोगे? फिफ्थ? नहीं 1 घंटे में कैसे पढ़ी जा सकती है? फिफ्थ में क्या लिखना है? फिफ्थ में कुछ नहीं लिखना बेटा, हेडिंग लिखवा दे, मोर देन सफिशिएंट है। और बेटा इसे भी लिख लो, फिर एक बार ही समझाता हूँ, और आज आपको अलविदा कहते हैं, बस इसके बाद एक लाइन समझाने के बाद लिमिटेशन खत्म। बेटा लास्ट लाइन और हमारा आज का कंसेप्ट, अलविदा टाटा बाय बाय सी यू, कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, प्रोन टू मिस यूज। जिसमें क्या लिखा है, कह रहा है स्टेटिस्टिक्स ऐसे क्ले है जिसका यूज करके आप गोट और डेवल दोनों बन सकते हो, एज यू प्लीज। मतलब कितने लोग डाटा को गलत तरीके से भी क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, आप उसका क्या भी कर सकते हो, मिस यूज भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हो, तो वो वाली पॉइंट है कि आप डाटा को क्या भी कर सकते हो, मिस यूज भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारा आज के लिमिटेशन खत्म, चैप्टर 1 बस हमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर देगा, अलविदा।